चलिए, पिछली क्लास में हम एलिमेंट और सिंबलाइजेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में देखे थे कि वह एलिमेंट क्या है, किसको कहते हैं एलिमेंट्स, और उसका सिंबलाइजेशन कैसे किया जाता है। सिंबलाइजेशन का बहुत सारा जो आपका रूल्स आया, जो नियम है उसका, उस नियम को हम आपको पिछले क्लास में वह नोट करवा चुके थे और समझा चुके थे। अब आप कंपाउंड्स के बारे में समझिए, कंपाउंड्स क्या है। तो जस्ट लाइक एलिमेंट, जिस तरह से हम एलिमेंट को डिफाइन किए थे उसी तरह से हम यहाँ पे कंपाउंड्स को भी डिफाइन करेंगे। कंपाउंड इज द प्योर सब्सटेंसेज व्हिच मेड अप ऑफ, क्या है आपका, मॉलिक्यूल्स। और कैसे बनता है मॉलिक्यूल्स, किसी भी रेशियो में मिल जाए तो आपका कंपाउंड बना देगा, नहीं। लिखेंगे कि इट इज द प्योर सब्सटेंसेज, प्योर सब्सटेंसेज व्हिच मेड अप ऑफ क्या, मॉलिक्यूल्स, व्हिच मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स इन डिफिनिट या फिक्स, इनडिफिनिट या फिक्स प्रोपोर्शन, एक निश्चित अनुपात में जब मॉलिक्यूल मिलता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यह कंपाउंड्स कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में देखिए, इन अदर वर्ड्स कहता है व्हेन टू और मोर देन टू एटम। देखिए कंपाउंड्स कैसे बनता है, When two or more than two, क्योंकि हम आपको बता चुके थे कि एलिमेंट का छोटा यूनिट है, कंपाउंड का छोटा यूनिट मॉलिक्यूल है, और ये एटम मिलता है तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। तो when two or more than two atoms or molecules or molecules combined in fixed proportion या definite proportion in डेफिनेट प्रोपोर्शन देन कंपाउंड्स विल बी फॉर्म। नहीं समझे, सिंपल सी बात है, कंपाउंड्स जो है प्योर सब्सटेंस है जो मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है। अब मॉलिक्यूल क्या है, उस मॉलिक्यूल के बारे में भी देखेंगे। मॉलिक्यूल कहेंगे कि मॉलिक्यूल क्या है, तो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड्स व्हिच जनरली एग्जिस्ट इन नेचर इन फ्री स्टेट। एटम और मॉलिक्यूल में क्या अंतर था, एटम एलिमेंट का छोटा यूनिट था, एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन मॉलिक्यूल जो है यह इस कंपाउंड का छोटा यूनिट है जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो चलिए, ये मेरा है कंपाउंड्स, और एज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कंपाउंड्स का, तो आप जानते हैं CO2, देखिए यह कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका मॉलिक्यूल्स है, यह आपका कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन का दो एटम, कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन का दो एटम आपका मिला है, तो आपका यह कार्बन डाइऑक्साइड बना है। अगर इसमें एटम के हिसाब से देखें तो इस कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन का कितना एटम है, 2 एटम है, और अगर हम इसके मास के हिसाब से देखें तो इस कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है, 12, और इस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, 16 दुना आपका क्या हो जाएगा, वो 32। अगर इसका रेशियो आप देखिएगा तो ये आपका 3:8। कार्बन डाइऑक्साइड आप कहीं का ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं का किसी भी कंडीशन का कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, अगर वह कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वह 3:8 वह बाय द आपका क्या है, मास के रेस्पेक्ट, मास के अगर हम रेस्पेक्ट में देखें तो बाय मास कार्बन और ऑक्सीजन 3:8। अगर हम इसी तरह से वाटर की बात करें तो आप कहीं का वाटर ले लीजिए, अगर आप रेनड्रॉप ले लीजिए या व्हील कुएं का पानी ले लीजिए या कल का पानी ले लीजिए या आरओ का पानी ले लीजिए, कहीं का पानी लीजिएगा तो वह आपका पानी, ये आपका हाइड्रोजन जो है उसमें एक एटम होगा और ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन इसमें आपका 2 एटम होगा और ऑक्सीजन क्या होगा,
यह वन एटम अगर यह है तभी वह वाटर हो सकता है, अदरवाइज यह वाटर नहीं होगा। अब अगर यह वाटर है, इसको बाय मास अगर हम बात करें तो इसका आपका टू पार्ट्स है और इस ऑक्सीजन का कितना पार्ट है, 16 पार्ट है। तो इस तरह से इसका जो अनुपात है, क्लास ले रहे हैं, ये जो इसका अनुपात है ये आप बाय मास देखेंगे तो इसका रेशियो आएगा 1 और इसका रेशियो क्या, यानी आपका इस वाटर की बात करें तो 1:8 के रेशियो में ये वाटर आपका कहीं का भी हो, यह अगर वाटर है तो वह 2 एटम हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन से मिलकर यह बना होगा। ये और जब डिफिनिट प्रोपोर्शन में हो, इसीलिए तो इसको हम प्योर सब्सटेंसेज कहते हैं। और अगर यह प्योर है तो चूंकि 2 या 2 से अधिक एटम के मिलने से बना है, 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है, इसलिए इसका नाम क्या देते हैं, कंपाउंड्स। अब अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स की बात करें, जिस तरह से हम एलिमेंट की क्लासिफिकेशन की बात करें तो वहां पे शायद एलिमेंट के क्लासिफिकेशन हम लिखवाए थे आपको कि एलिमेंट को अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। अगर नहीं लिखे हैं तो आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है, अगले आगे आगे जो है आपका हायर क्लास में आपको एलिमेंट का क्लासिफिकेशन भी देखेंगे, वहाँ डिटेल देखेंगे। लेकिन यह आपका यहाँ पे जानते होंगे कि एलिमेंट जो है जैसे मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, मेटलॉइड्स होता है। अगर उस एटम के अगर प्रॉपर्टीज और उसके स्टेबिलिटी के आधार पे देखें तो इसी एटम को या एलिमेंट को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी कहते हैं या मोर स्टेबल एलिमेंट भी कहते हैं। तो एलिमेंट का अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन है। इस एलिमेंट को क्लासिफाइड करें अगर स्टेट के आधार पे, तो जो 112-13 एलिमेंट जितना भी बताए थे, 118 तक एलिमेंट जो हम बताए थे, वह एलिमेंट या तो सॉलिड स्टेट में होगा, या तो लिक्विड स्टेट में होगा, या तो गैसियस स्टेट में होगा। पता नहीं आपको लिखवाए थे या नहीं लिखवाए थे, अगर नहीं लिखवाए होंगे तो आप भूलिएगा, हम अगले क्लास में जो है इस एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में लिखवा देंगे। अगर हम कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो कंपाउंड कितने तरह का होता है, कंपाउंड्स को क्लासिफाइड कैसे करेंगे, तो आप हेडिंग दीजिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, हेडिंग दीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, इसको आप नोट कर लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। एक चीज थोड़ा सा मैसेज कीजिएगा, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हुआ था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट कितने तरह का होता है, तो आप पहला क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब क्या, राज्य नहीं, उस एलिमेंट की अवस्था, उस एलिमेंट वह सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में है, इसके आधार पे हम एलिमेंट को क्लासिफाइड करने जा रहे हैं। देखिए आप जितने भी एलिमेंट की बात करें, हम आपको एलिमेंट बताए थे, यह एलिमेंट तीन तरह का हो सकता है, या तो यह एलिमेंट सॉलिड स्टेट में पाया जाए, या तो एलिमेंट यह लिक्विड स्टेट में पाया जाए, या यह एलिमेंट गैसियस स्टेट में होगा। एलिमेंट का यही तीन अवस्था है, हम बोर्स आइंस्टीन स्टेट और प्लाज्मा स्टेट की बात करें तो ये नॉर्मल कंडीशंस पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे, ये तीनों स्टेट के अलावा वो दोनों स्टेट आपका इस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता है। अब यह सॉलिड बताइए, एलिमेंट या तो सॉलिड हो सकता है, या तो लिक्विड हो सकता है, या तो गैस हो सकता है। आप जितना भी एलिमेंट देखिए, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड, आप यह जान लीजिए, मोर देन 19 एलिमेंट आर क्या है, सॉलिड, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड। एज फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, लगभग आपका यह मोर देन 85 एलिमेंट है, यह आपका 90 एलिमेंट आप मान के चलिए कि वो आपका सॉलिड स्टेट में है। देखिए कुछ एलिमेंट ऐसा है जो टेम्परेचर के साथ वो आपका जो है सॉलिड लिक्विड आपका चेंज करता है। तो कौन कौन सा आप देख लीजिए, जैसे आयरन की बात करते हैं, आयरन देखें, आयरन क्या होता है, ये सॉलिड फॉर्म है, और कॉपर क्या है, सॉलिड नहीं होता है क्या। आप आर्जेंटम की बात कीजिए, चांदी की बात कीजिए, गोल्ड की बात कीजिए, ये सब का सब एलिमेंट किस फॉर्म में पाया जाता है, यानी ये आप देख रहे हैं ये सब का सब क्या है, मेटल है। आगे हम मेटल के आधार पर भी देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर क्या होता है, वह सॉलिड, आप पढ़े होंगे और आप इसको फिर एक बार और रिकॉल कर लीजिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वह क्या है, वह लिक्विड है। लेकिन इस लिक्विड के पहले हम आपको गैसियस की बात करें,
गैसियस में कौन कौन सा एलिमेंट है? तो मोस्ट ऑफ द आपका एलिमेंट में जो आपका सॉलिड है उसमें से कुछ एलिमेंट लगभग 1.5 दर्जन यानी आपका 18 या 20 एलिमेंट जो है वह गैसियस स्टेट में पाया जाता है। अप्रोक्स वह 18 या एलिमेंट जो है वह गैसियस स्टेट में पाया जाता है। कौन कौन सा है? आप तो इसमें आप इनर्ट गैस ले लीजिए। इनर्ट गैस ये सबका सब क्या है? ये गैसियस स्टेट में पाया जाता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब क्या है? गैसियस स्टेट में। अगर हम बात करें क्लोरीन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, तो ये सब भी यानी जितना भी नॉन मेटल है, आप एक चीज जान लीजिए, नॉन मेटल जो है वह क्या होता है? नॉन मेटल्स आर इन गैसियस स्टेट। वह जनरली क्या होता है? वह गैसियस फेज में वह एग्जिस्ट करता है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो पूरा ये जो आपका 118 एलिमेंट देखते हैं, इस 118 एलिमेंट में मात्र 5 एलिमेंट ही है जो लिक्विड होता है। तो आप सॉलिड के बारे में आपको कोई जरूरत नहीं है याद रखने का, अधिकांश एलिमेंट आपका सॉलिड है। कुछ एलिमेंट 18-20 एलिमेंट जो है वो आपका क्या है? गैसियस है। कुछ एलिमेंट जो है वह एलिमेंट वह आपका लिक्विड है। तो ये कौन कौन सा एलिमेंट लिक्विड है? तो यह देख लीजिए कौन कौन सा है। सीजियम है, सीजियम, फ्रांसियम, कौन सा है? फ्रांसियम। और बोलेंगे हाइड्रागैरम के बारे में तो सुने होंगे, पारा, क्या है यह? हाइड्रागैरम। गैलियम और लास्ट वन ब्रोमीन, बोल दीजिए क्लास ले। ये 5 एलिमेंट जो है, ये 5 एलिमेंट जो है यह लिक्विड स्टेट में होता है। याद हुआ? नहीं याद हो, हम याद करा देते। देखिए ये 5 को आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि यह आपका एलिमेंट क्या होता है? यह लिक्विड होता है। अब कैसे याद रखेंगे? तो आप बस इसको याद रखने के लिए कि हम आपको कोड बता रहे हैं, मेमोरी कोड। अगर हम सीजियम की बात करें, सीजियम को कहेंगे क्या? कैसा। सीजियम को कहें कैसा। फ्रांसियम को कहें अगर फ्रांस, तो याद रहेगा ना। जैसे ही आप फ्रांस की बात करें आपके माइंड में आना चाहिए फ्रांसियम, कैसा, फ्रांस, क्या। अगर हाइड्रागैरम है इसको हम याद रखने के लिए रखेंगे होगा, होगा, होगा कहें मतलब क्या? पारा। कैसा फ्रांस होगा, क्या कैसा फ्रांस होगा, यह आपका क्या है जी? ग, और यह क्या है? बर। आप याद रखिएगा कैसा फ्रांस होगा गब्बर। गब्बर का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए, कैसा फ्रांस होगा गब्बर। गब्बर से पूछता है, कौन पूछता है? ठाकुर सिंह पूछता है। ठाकुर नहीं देखे हैं क्या? नहीं जानते हैं? हाँ, तो उसी फिल्म की बात करते हैं कि कैसा फ्रांस होगा गब्बर। गब्बर बोलता है कि लिक्विड, यानी यह आपका 5 एलिमेंट जो है यह आपका कैसा है? यह लिक्विड है। कौन कौन सा एलिमेंट? कैसा मतलब सीजियम, और आपका फ्रांस मतलब फ्रांसियम, होगा मतलब HG, और गब्बर मतलब ग यानी गैलियम, और बर मतलब ब्रोमीन। ये 5 एलिमेंट जो है यह लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा, बाकी सबका सब क्या होगा? मोस्ट ऑफ द एलिमेंट यानी मोर देन 85 एलिमेंट आर सॉलिड एंड अबाउट 1.5 डजन एलिमेंट आर इन गैसियस स्टेट। तो ये रहा मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अब आप ये नोट कर लीजिए, हम इसको, और कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्या? नेचर, प्रॉपर्टीज। हम प्रॉपर्टीज के आधार पे उस एलिमेंट को क्या कर रहे हैं? क्लासिफाइड करने जा रहे हैं। दूसरा है, देखिए ये पहला था, अब दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ आपका प्रॉपर्टीज इन सेंस मतलब इलेक्ट्रॉन का, उस एटम में इलेक्ट्रॉन का क्या प्रॉपर्टीज है, एटम को लूज करने का कैपेबिलिटी है या नहीं है, उस एटम के प्रॉपर्टीज के आधार पे हम एलिमेंट को फिर 3 तरीके से क्लासिफाइड किए हैं। ये एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू फ्लोइंग 3 टाइप्स। कौन कौन सा एलिमेंट हो सकता है? आप अच्छी तरह जान रहे हैं, ये तो शुरू से ही पढ़ रहे हैं। ये आपका क्या है? मेटल, और दूसरा जो है वह है मेटलॉइड्स। क्या है? मेटलॉइड्स, और थर्ड वन इज नॉन मेटल। आपको पता है, देखिए
हम आपको बताए थे कि लेवोजियर जो है वह रिगार्डेड एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, और जब लेवोजियर साहब केमिस्ट्री का जब स्टडी किए थे, जब वो आपका मॉडर्न पीरियड में इन्होंने केमिस्ट्री के बारे में बहुत सारा कंसेप्ट को जब डिस्क्राइब किया था, तो उस समय उस एलिमेंट के दो ही प्रॉपर्टीज को वो डिस्क्राइब किए थे, एक मेटल और दूसरा क्या है नॉन मेटल। लेकिन आज के डेट में हम इस एलिमेंट को आपका तीसरा टाइप्स भी हम स्टडी करते हैं, यानी एक तो वह मेटल और दूसरा क्या है नॉन मेटल, और इसके बीच में एक आ गया है क्या मेटलॉइड्स। देखते हैं मेटलॉइड्स क्या है। तो आप जान रहे हैं अच्छी तरह से मेटल क्या होता है। मेटल का एक अपना प्रॉपर्टीज होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है कि आप मेटल का जो है डक्टिलिटी नेचर होता है, यानी मेटल जो है इसको सीट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको पीट कर जो है चौड़ा किया जा सकता है, इसको जो है आप क्या क्या कर सकते हैं, इसको धागे के रूप में आपका लंबा से लंबा जो है ये वायर कर सकते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये सारा का सारा पॉइंट ये मेटल में आएगा। क्या क्या लिखे हम चलिए लिख देते हैं। आपका लॉस एटम ये एलिमेंट जो है हैविंग कैपेसिटी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है लॉस इलेक्ट्रॉन को लूज करने का कैपेबिलिटी रखता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का कैपेसिटी रखता है। क्या होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर, ये सब आप जान रहे हैं लेकिन फिर भी हम मेंशन करते हैं गुड कंडक्टर्स है। और क्या है कि ये आपका मेटल ये डक्टिलिटी नेचर शो करता है, क्या करता है डक्टिलिटी नेचर शो करता है। और क्या होता है लस्ट्रस प्रॉपर्टीज रहता है, लस्ट्रस प्रॉपर्टीज जो है ये सब शो करता है। ये आपका सो मेनी नंबर ऑफ प्रॉपर्टी जो है आप इस मेटल के बारे में पढ़े हैं, हम लोग आगे भी मेटल और नॉन मेटल ये आपका मेटलॉइड टॉपिक है वो आपको पढ़ेंगे। मेरा यहाँ पे एलिमेंट का क्लासिफिकेशन है, तो ब्रॉडली आप जानिए कि एलिमेंट तीन तरह का, एक मेटल, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा क्या है मेटलॉइड। तो ये प्रॉपर्टीज वाला मेटल है, इसका जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी जो होगा वो आपके नॉन मेटल में होगा। ये आपका क्या लिखेंगे, ये आपका ये लूज करने का कैपेसिटी नहीं रखता इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है गेन करता है, क्या करता है कैपेसिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। और आप जानते होंगे जो इस एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी रखता है उसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के टर्म में हम क्या कहते हैं आपको आगे पता चलेगा। ऑक्सीडेशन जो लूज करता है उसको क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन, और जो गेन करता है उसको क्या कहते हैं रिडक्शन। यानी ये आपका जो है ये ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी शो करता है और रिडक्शन प्रॉपर्टी शो करेगा, और जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रॉपर्टी शो करेगा तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन में। तो ये आपका क्या होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जस्ट उसका अपोजिट बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका डक्टिलिटी नेचर शो नहीं करता है, लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। देखिए डक्टिलिटी जो है यह शो नहीं करता है, लस्ट्रस प्रॉपर्टीज है, सोनरस प्रॉपर्टीज है, ये सब आपका सोज नहीं करता है। अगर एग्जांपल की बात करें तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आप ये आपका क्या है मेटल है, और इस मेटल का एक और प्रॉपर्टी कर सकते हैं कि ये आपका हार्ड होता है, सॉलिड होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, और उस नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो लो होता है। अगर हम बात करें कि ये जितना भी एलिमेंट है ये आप जितना भी मेटल है वो सबका सब क्या होता है सॉलिड होता है, एक्सेप्ट पारा, पारा को छोड़ दिया जाए तो जितना भी मेटल है वो सबका सब सॉलिड है। चलिए ये तो मेटल और नॉन मेटल का प्रॉपर्टी, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख लीजिए वही जो आपका आयरन है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, ये आपका कॉपर है, एजी है, एयू, ये सब का सब ये क्या है ये आपका मेटल है। लेकिन नॉन मेटल, नॉन मेटल कौन है तो जो भी गैसियस फेज में है ये आपका नॉन मेटल है, जैसे आप देख लेंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम मेटल में आ जाएगा, उसके बाद में सीएल, बीआर, आई, ये सब का सब ईटीसी, ये सब का सब जो है क्या है नॉन मेटल। अब आपको यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल के बीच में मेटलॉइड्स को आइडेंटिफाइड करना है। अधिकांश एलिमेंट मेटल है, कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटल है, यहाँ पर भी लगभग 20 एलिमेंट जो है आपका नॉन मेटल है। तो मेटलॉइड्स की बात करें तो मेटलॉइड्स में आपका कौन कौन सा एलिमेंट आता है वह देखिए। मेटलॉइड क्या है, यह कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर के साथ वह जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वह आपका मेटल के जैसा भी बिहेव करेगा और वह नॉन मेटल के जैसा भी बिहेव करेगा। तो ये दोनों के बीच का प्रॉपर्टी शो करता है, और वह कौन कौन सा एलिमेंट है जो दोनों के बीच का प्रॉपर्टी शो करता है यह आपका इंपॉर्टेंट है, और यह इसको आपको याद रखना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट वह है आपका यही कौन कौन सा है, बोरॉन,
सिलिकॉन, जर्मेनियम क्या क्या है, क्लास ले दिख रहा है, ये मेरा आठ एलिमेंट है, ये आठ एलिमेंट इज द मेटल वॉइड्स, एट एलिमेंट्स जो है ये आपका मेटल वॉइड्स है। अब कौन कौन सा एलिमेंट है, तो बोरन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी, टेलोरियम, क्लोरियम और क्या है, एस्टरटाइन। ये आठ एलिमेंट ना तो मेटल है ना तो मेटल वॉइड है, नॉन मेटल है, यह दोनों के बीच का है, यह मेटल वॉइड्स, इसका भी प्रॉपर्टी शो करेगा और इसका भी प्रॉपर्टीज सोच करेगा। तो इसको आपको याद रखना है, कैसे याद रखेंगे, यह आठ एलिमेंट है, आठ एलिमेंट जो है ये कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है, मेटल वॉइड्स का। याद रखने के लिए देखिए हम एक कोड बता रहे हैं, बसी, बसी माने बस जाना, बसी, बसी कहेंगे तो बोरोन और क्या आएगा, सिलिकॉन आएगा, बसी क्या, गीत, ऐसे, ऐसे मतलब आर्सेनिक, बसी गीत ऐसे, सब, सब मतलब समझ रहे हैं, सब कहेंगे तो सब, ये आपका टीई क्या, टीचर, सब टीचर। देखिए पीओ, पोलोनियम, पोलोनियम को याद रखने के लिए हम अगर लिख दें पहले तो बस याद रखना है, ऐठे, ऐठे, ये तो आपका एटी, एटी मतलब क्या है, ऐठे, बसी गीत ऐसे, सब टीचर पहले ऐठे। अब टीचर के सामने अगर आपको कोई गीत बस गया है और आप टीचर के सामने अगर गुनगुनाइएगा तो टीचर क्या करेगा, ऐठेगा नहीं, टीचर ऐठेगा। इसीलिए हमको याद रखने से मतलब है, क्या है मेटल वर्ड, तो बसी गीत ऐसे, सब टीचर पहले ऐठे, बसी, बसी, बोरन, सिलिकॉन, गीत, जर्मेनियम, ऐठे, ऐसे, तो आर्सेनिक, सब, एंटीमोनी, एस्टाबिस्मस इसको बोलते हैं, टीचर, टेलुरियम, पहले, पोलोनियम, ऐठे, एस्टेटाइन, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा आठ एलिमेंट है, यह मेरा आठ एलिमेंट है जो मेटल वर्ड्स। तो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करें सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसमें लिक्विड को याद रखना जरूरी है, अगर हम मेटल, नॉन मेटल, मेटल वॉइड की बात करें तो उसमें इस मेटल वॉइड को याद रखना जरूरी है। और फिर हम दूसरे का आधार, दूसरे बेसिस पे हम एलिमेंट को फिर क्लासिफाइड करना है, वह देखिएगा। तो ये नोट कर लीजिए और नेक्स्ट थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ एस्टेबिलिटी, एस्टेबिलिटी या यूं कहिए कि स्टेबिलिटी फॉर्म, या यूं कहिए कि उसका इलेक्ट्रोपिक फॉर्म कर सकते हैं, वह कितने फॉर्म में एटम एग्जिस्ट करता है। देखिए एलिमेंट तो वही है लेकिन इस एटम का कौन कौन सा रूप हो सकता है, उस हम रूप को बताने जा रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एस्टेबिलिटी, एस्टेबिलिटी फॉर्म, एस्टेबिलिटी फॉर्म के आधार पर देखें तो देखिए जितना भी एलिमेंट है, अब हम इस एलिमेंट का क्लासिफिकेशन थोड़ा सा हट के है, हम कह रहे हैं एलिमेंट या तो वह स्टेबल होगा, उसका न्यूक्लियाई या तो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, या अनस्टेबल, अनस्टेबल। देखिए स्टेबिलिटी फॉर्म किसके लिए है, तो हम न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, किसका, न्यूक्लियस का। अब एटम हम कहते हैं कोई भी एटम बना दे, आज के डेट में जो है, आज इतना एलिमेंट जो आपका बढ़ते जा रहा है, कुछ ही दिनों में 118 ये आपका पार कर गया, फिर आपका जो है वह सातवां के बाद में आठवां आपका रोड चालू होने वाला है, तो उस एलिमेंट का क्रिएशन कैसे होता है, उस एलिमेंट का प्रोडक्शन कैसे होता है। पहले तो एलिमेंट का जो खोज कर रहे थे उसका रेट काफी स्लो था, लेकिन आज के डेट में एलिमेंट का डिस्कवरी रेट इतना फास्ट है कि आप देखते देखते बहुत सारा एलिमेंट आपको जो है यह पता चलने लगेगा कुछ ही समय में, फिर आपका एक सेवन एट रोज जो चालू होगा,
उसमें आप देखेंगे बहुत सारा एलिमेंट आ गया। तो इस एलिमेंट के स्टेबिलिटी फॉर्म की बात करें तो उसका जो न्यूक्लियस होता है ना, उस वह न्यूक्लियस स्टेबल है या अनस्टेबल है वह बताता है कि यह एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर उसका न्यूक्लियस स्टेबल है तो वह एग्जिस्ट करेगा, अगर न्यूक्लियस अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, तो वह एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है वह एग्जिस्ट नहीं करता है, वैसे ही एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट के नाम से जानते हैं। यह क्या है, यह आपका स्टेबल एलिमेंट हो गया, ये सब का सब स्टेबल एलिमेंट है। और इसी स्टेबल एलिमेंट में से कुछ ऐसा एलिमेंट होता है जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, और अगर वह अनस्टेबल है तो वह एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। नहीं समझे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट देखिए, देर आर सो मेनी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स और मटेरियल्स प्रेजेंट इन नेचर विच शोज रेगुलर डिसइंटीग्रेशन। बहुत सारा ऐसा पार्टिकल्स है आपके एनवायरमेंट में जो लगातार टूटते रहता है, और टूट टूट कर कुछ इंडिविजुअल रे जिसको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, वैसा वैसा रे जो है वो आपका इमिट करते रहता है। वैसे रेज को रेडियो एक्टिव रेज कहते हैं, और इस घटना को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है कि बहुत सारा एलिमेंट है जो अपने आप टूटते रहता है। जैसे आप कार्बन के बारे में जानते हैं, कार्बन का दो आइसोटोप होता है, कार्बन 12 और कार्बन 14। कार्बन 12 जो है वह स्टेबल होता है, और कार्बन 14 जो होता है क्या होता है, वह अनस्टेबल होता है। कार्बन 14 अनस्टेबल है, वह न्यूक्लियस है, उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल इसलिए होता है कि उसमें देखेंगे स्टेबिलिटी का कारण, वह एन बाई पी रेशियो जो है वह अलग होता है, वीडियो रुका हुआ है। तो इस तरह से ये वैसा एलिमेंट है जिसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है, वह अनस्टेबल होता है। अब जो भी हो, अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है हम आगे आपको फिर बताएंगे, लेकिन लेकिन यह रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है, यह भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट दो तरह का, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितने तरह का होता है, दो तरह का। किसको कहेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कैसे क्लासिफाइड करेंगे, तो देखिए कैसे करते हैं। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका एटॉमिक वेट क्या होता है, कम होता है, और कुछ ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक वेट क्या होता है, हाई होता है। अब कितना हाई होता होगा, कितना लो होगा, लो कितने एटॉमिक वेट वाले को कहेंगे, और हाई किस एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट को कहेंगे। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट को दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया, एक वैसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसका एटॉमिक वेट 100 से कम हो, और वैसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, लाइट रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सुन लीजिए ये क्या लिखे हैं, लाइट, लाइट मैंने प्रकाश वाला नहीं, लाइट मैंने हल्का, लाइट रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और दूसरा क्या होता है, हेवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हेवी माने आपको पता है, हेवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिस एलिमेंट का एटॉमिक वेट अगर 100 से ज्यादा हो, दैट इज कॉल्ड हेवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और जिस एलिमेंट का एटॉमिक वेट 100 से कम हो, एटॉमिक वेट लेस देन 100 इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट, लाइट रेडियो। नहीं समझे, आप सोच रहे होंगे कि यह एलिमेंट जो स्टेबल है या अनस्टेबल हम कैसे समझेंगे, तो आप वहां पे आगे पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिव एक टॉपिक है, वहां पे आप पढ़ेंगे, हम रेडियो एक्टिव के न्यूक्लियस का जो स्टेबिलिटी की बात करते हैं वह एन बाई पी रेशियो से करते हैं। एन बाई पी का मतलब जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो क्या हो जाए, 1, दैट इज स्टेबल। और जिसमें एन बाई पी न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो अगर नॉट इक्वल टू 1, दैट इज अनस्टेबल। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बता दें, जैसे कार्बन की बात करते हैं, पता है यह कार्बन एलिमेंट है, लेकिन यह दो फॉर्म में पाया जाता है, कार्बन 6, 12 और कार्बन 6 और क्या है, 14। आप एक बात बताइए, इसका एटॉमिक नंबर यानी जेड बराबर पी बराबर ई बराबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6। इस कार्बन के लिए जेड बराबर पी बराबर ई बराबर 6। इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर भी लिखेंगे जेड बराबर पी बराबर ई बराबर 6। नहीं समझे, एटॉमिक वेट की बात करें तो इस कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, और इस कार्बन का एटॉमिक वेट क्या है, 14 है। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला आप जानते हैं, ये आपका ए बराबर पी प्लस एन होता है, तो एन बराबर क्या करेंगे, ए माइनस पी। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ये आपका 12 माइनस 6 करेंगे तो न्यूट्रॉन का संख्या कितना आ गया जी, 6।
यहाँ पे न्यूट्रॉन का संख्या निकाले तो आपका ए माइनस पी 14 माइनस 60 तो आपका आना चाहिए। या आप हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप पहले पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो फिर इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम फिर डिटेल से देखेंगे, लेकिन अभी आप इतना देखिए। अगर हम इस एलिमेंट के लिए एन बाई पी की बात करें तो एन न्यूट्रॉन कितना है जी 6, प्रोटॉन का संख्या कितना है जी 6, कितना हो जाएगा 1, दैट इज अगर एन बाई पी का मान 1 हो जाए दैट इज स्टेबल। और यहाँ की बात करें एन बाई पी इसके लिए तो न्यूट्रॉन का संख्या है 8, प्रोटॉन का संख्या है 6, बताइए 1 होगा क्या, नॉट इक्वल टू 1, इसलिए अनस्टेबल है और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट दो तरीके का होता है, एक वैसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसका एटॉमिक वेट 100 से ज्यादा हो और एक वैसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसका एटॉमिक वेट 100 से कम हो। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि यह 100 से ज्यादा की बात करें तो 100 से ज्यादा एलिमेंट को अभी हम नहीं कह सकते हैं कि कितना एलिमेंट है जो नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट मोस्ट कॉमन एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट वह 100 से ज्यादा कितना है। 100 से ज्यादा का कोई आपका लिमिटेशन नहीं है, अभी जैसे जैसे एलिमेंट और बढ़ते चलेगा वह आपका एलिमेंट का संख्या भी वैसे ही बढ़ते जाएगा। लेकिन हम लाइट रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात करें तो यह लाइट रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है, लिमिटेड है और इसमें मोस्ट कॉमन और मोस्ट स्टेबल, स्टेबल इन सेंस ही माने जो पाया जाने वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट वह आपका कुछ लिमिटेड है। तो कौन कौन सा है इस लाइट रेडियो एक्टिव एलिमेंट को, यह देखिए इसका एग्जाम्पल। कितना मिनट है, 4 मिनट टाइम हो गया है, देख लीजिए ये लाइट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कौन कौन सा है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये आपका यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में ये लाइट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जी, सबका सब लाइट रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन कौन सा है, टिंकू सॉरी टेक्नीशियम, रुबिडियम, पोटेशियम, कार्बन और क्या है ट्राइटियम, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन है लेकिन यह एटॉमिक वेट, देखिए कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है ये आप मत जानिए, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होगा तो वह स्टेबल होगा, वह यहाँ पे आ जाएगा, हम बात कर रहे हैं अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट का। तो इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 14, इस हाइड्रोजन का होता है 3, देखिए हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, एक प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, अगले क्लास में बताएंगे आप ध्यान रखिएगा, ये हाइड्रोजन के बारे में बताएंगे। लेकिन हाइड्रोजन का 01 एटॉमिक वेट होता है, 02 होता है और 03 होता है, 03 जिसका एटॉमिक वेट होता है दैट इज आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट और इसी का नाम क्या है ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और क्या है ट्राइटियम। यह मेरा एलिमेंट क्या है ट्राइटियम है, इसका नाम क्या है ट्राइटियम, ठीक है। यह कार्बन है 14 वाला, कार्बन वाला 12 वाला जो है आपका नेचुरली नेचर में आपका पाया जाता है स्टेबल होता है, यह आपका जो होता है 40, यह टेक्नीशियम का होता है 99, देखिए ये हम लाइट रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोल रहे हैं, वैसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसका एटॉमिक वेट 100 से क्या हो कम हो और इसका नंबर होता है 87। अब टेक्नीशियम का एटॉमिक वेट आप जान लीजिए जितना भी होता है उस सबको मतलब नहीं है, लेकिन 99 वाला जो रेडियो जो एटॉमिक वेट वाला एलिमेंट है दैट इज लाइट रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रुबिडियम वाला, रुबिडियम का 87 जो होगा वह आपका क्या होगा, वह लाइट होगा, क्या मैसेज आ रहा है देखिए, नहीं समझ रहे हैं अच्छा अगले क्लास में फिर इसको समझ लीजिएगा अभी।